इन्वेस्टमेंट। तो हम इस रिकॉर्डिंग में इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट इज, व्हाट इज द ऑप्टिमल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल व्हिच इज एम्प्लॉयड बाय द फर्म। कितनी कैपिटल कोई फर्म ऑप्टिमली एम्प्लॉय करेगी। व्हाट इज एन आर्बिट्रेज एज इक्वेशन। व्हाट इज कैपिटल गेन एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द आर्बिट्रेज एज इक्वेशन। एंड व्हाट इज द यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो इन चीजों पे चर्चा करते हैं, देखते हैं। आई मीन आई डोंट थिंक शायद हम 4 तक पहुंच पाए कि ना पहुंच पाए। लेट्स सी व्हाट एवर वी कैन डू इन दिस रिकॉर्डिंग। सो सबसे पहली बात है, व्हाट इज एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कैपिटल बाय अ फर्म। मान लेते हैं कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ के एल एक प्रोडक्शन फंक्शन है, राइट। पी आउटपुट प्राइस है एंड आर इज द प्राइस ऑफ कैपिटल एंड डब्ल्यू इज द प्राइस ऑफ लेबर। तो जो प्रॉफिट होगा आप कैसे लिखोगे, प्राइस इंटू आउटपुट माइनस लेबर कॉस्ट डब्ल्यू इंटू एल माइनस कैपिटल कॉस्ट विच इज आर इंटू के, राइट। सो यू हैव पी इन प्लेस ऑफ वाई, यू कैन राइट एफ ऑफ के एल माइनस डब्ल्यू एल माइनस आर के। अब हमारे को ये बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल होना चाहिए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। सो आई विल डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू के। डेल एफ बाय डेल के माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, राइट। डेल एफ बाय डेल के क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड दिस इज इक्वल टू आर। तो एमपी के किसके बराबर आया, आर बाय पी, आर बाय पी। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जब रियल रेंटल रेट के बराबर होगा, टिल दैट पॉइंट यू विल बी एम्प्लॉइंग द कैपिटल, राइट। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू द रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल टिल दैट पॉइंट यू विल बी एम्प्लॉइंग द कैपिटल, राइट। एमपी के इज इक्वल टू द रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल। हम इस रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल को आर भी कह सकते हैं एज आर विच इज द रियल इंटरेस्ट रेट, मान लेते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि मान लीजिए मैं कोई कैपिटल खरीद रहा हूं, मैं कोई मशीन में इन्वेस्ट कर रहा हूं और उस मशीन का प्राइस पी के है। आज के दिन में मैं ये सोच रहा हूं कि मैं मशीन में इन्वेस्ट करता हूं, तो उस मशीन का प्राइस पी के है। आज मेरे पास ये पी के डॉलर्स हैं एंड दीज पी के डॉलर्स आई कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन द बैंक एंड अर्न इंटरेस्ट रेट, राइट। सो आई कैन गेट एन इंटरेस्ट इनकम ऑल्सो। सो इफ आई टेक पी के एंड आई इन्वेस्ट इट इन द बैंक, आई विल गेट दिस इंटरेस्ट इनकम। सो दिस इज दी अमाउंट विच आई एम गेटिंग बाय इन्वेस्टिंग इन द बैंक। मैंने ये पी के डॉलर्स लिए, इनको बैंक में जमा करा दिया और उस पर मुझे इंटरेस्ट इनकम मिल गई। लेकिन इस इन पी के डॉलर्स के साथ मैं मशीन भी खरीद सकता था। जब मैंने मशीन खरीदी तो वो मशीन से मुझे एक तो एम पी के का फायदा हुआ। वाई बिकॉज विद एन इंक्रीज इन कैपिटल माई आउटपुट इज ऑल्सो इंक्रीज, सो दैट इज वन फायदा फ्रॉम दैट मशीन। अदर आज के दिन पे ये पीके की है, कल हो सकता है पीके डैश की हो जाए, राइट। तो एक साल बाद मैं इस मशीन को किसी प्राइस पे बेच सकता हूं, राइट। सो एक साल बाद मैं इस मशीन को किसी प्राइस पे बेच सकता हूं और वो डिफरेंस होगा उस प्राइस में और आज के प्राइस में। ये तब है जब मैंने मशीन में इन्वेस्ट करा है, ये तब है जब मैंने सेम पैसा बैंक में इन्वेस्ट करा है। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर यही पैसा बैंक में इन्वेस्ट करके मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है तो मैं काहे को मशीन खरीदूंगा। अगर मुझे मशीन से ज्यादा पैसा मिल रहा है तो ठीक है, मैं मशीन खरीद लूंगा, राइट। सो दिस इज व्हाट द आर्बिट्रेज इक्वेशन इज। इसको और अच्छी तरीके से लिखते हैं।
So this left-hand side result which you have got, that is nothing but you're taking this PK dollars and you're investing it in the bank, right? So, and this is basically nothing but the interest which you have earned on PK dollars. So please write interest earned on PK dollars. When invested in a bank. Invested or when deposited in a bank. And this MPK plus delta PK is what? This is that amount. I mean, first of all, you are getting the marginal product. And plus, in case if you're going to sell this at a higher cost, that is a capital gain also. There can also be a capital loss, right? So the sum of marginal product of capital and the capital gain. So I'm writing here capital gain, but it can be capital loss also. मान लीजिए आपने आज कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा तो कैपिटल गेन हो गया, लेकिन आपने आज कम जितने में भी खरीदा और उससे भी कम में बेचा साल के एंड में, दैट्स अ कैपिटल लॉस, राइट? मान लेते हैं द इनिशियल प्राइस इनिशियल प्राइस इज वन, राइट? सो इनिशियल प्राइस इज वन, सो आई कैन राइट दिस एज वॉट आर इक्वल्स टू एमपीके प्लस दिस डेल्टा पीके अपॉन पीके. सो दिस विल गिव मी द ग्रोथ ना, ग्रोथ इन प्राइसेस. सो वी विल कॉल दैट एज द कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस. और अगर मान लीजिए आपके प्राइस में कोई चेंज ही नहीं है, मशीन का आज प्राइस और साल के एंड में प्राइस, दोनों में प्राइस सेम ही है, तो डेल्टा पी के जीरो होगा. तो योर आर इज सिंपली इक्वल टू एमपी के विच यू हैव जस्ट फाउंड आउट, विच यू हैव जस्ट फाउंड आउट लाइक दिस. और द दिस इज नथिंग बट द ग्रोथ रेट ऑफ प्राइस. ग्रोथ रेट ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ मशीन कह दें जो भी. तो ये परसेंटेज टर्म्स में है. सो इफ इट इज इंक्रीजिंग, इफ द ग्रोथ रेट इज पॉजिटिव, यू कॉल दिस एज अ कैपिटल गेन. एंड इफ दिस ग्रोथ रेट इज नेगेटिव, कॉल दिस इज अ कैपिटल लॉस, राइट? यू कॉल दिस इज अ कैपिटल लॉस. क्वेश्चन उठता है कि ये जो प्राइस है वो चेंज हो भी क्यों सकता है, व्हाई दिस प्राइस कैन चेंज. तो प्राइस चेंज होने के कुछ कारण हो सकते हैं. मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी, दैट मशीन इज गोइंग टू बी सब्जेक्टेड टू अ नॉर्मल वियर एंड टीयर. आप कोई भी मशीन खरीद लीजिए, उसकी वैल्यू साल के एंड तक कम हो जाएगी, राइट? बिकॉज आप उसको यूज करते रहेंगे, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. सो इट इज सब्जेक्टेड टू नॉर्मल वियर एंड टीयर. और वो क्या है? डेप्रिसिएशन. इसको डी बार, इसको जनरली हम एक्सप्लिसिटली ऐड कर देंगे, मतलब क्योंकि डेप्रिसिएशन कम हो रहा है ना, वैल्यू को कम कर रहा है, तो हम यहाँ पे एमपीके माइनस डी बार प्लस डेल्टा पी के अपॉन पी के लिख देंगे, राइट? दूसरा,
You have seen that when you use, when the technology improves, the price of the goods, they will become lesser over the time. So the time when the cell phones were introduced और आज उसमें अंतर है ना बेटा. मतलब अगर आज तो जैसे अगर आप आईफोन को लें तो आईफोन का जो पिछले साल प्राइस था और उसी आईफोन का प्राइस आज, उसमें बहुत अंतर है. वैसे अगर देखें तो सेल फोन्स में जो पैसा हम पहले देते थे और आज में देते हैं, उसमें तो बहुत मतलब बढ़ोतरी हुई है. हम लोग कभी नहीं सोचते थे कि हम ऐसा सेल फोन रखेंगे जो हजारों रुपए का होगा, बट वी यूज टू कीप इट नाउ बिकॉज इट इज वर्किंग एज अ कंप्यूटर ऑल्सो फॉर अस, फॉर मेनी ऑफ अस. लेकिन इन जनरल इफ यू टेक अप जस्ट अ वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ एन आईफोन, राइट, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आईफोन, आईफोन 11. सो द प्राइस एट विच इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट एंड द प्राइस ऑफ इट टूडे, इट इज गोइंग टू बी लेसर, राइट. सो विद टेक्नोलॉजी ऑल्सो द प्राइस ऑफ द मशीन दे विल फॉल. With technological improvement, price of machines will fall, right? अच्छा, ये तो मशीन्स के बारे में बात हुई, तो मशीन्स का तो जनरली प्राइस कम होता है. अब जैसे अगर आप कैपिटल को लैंड ले लें, जैसे लैंड है, फैक्ट्रीज है, ऑल दैट, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ फिजिकल कैपिटल फॉर यू. उनका प्राइस बढ़ता है, क्यों? बिकॉज ये चीजें स्केयर्स हो जाएंगी, दे विल बिकम स्केयर्स ओवर टाइम. द लैंड इज बिकमिंग स्केयर्स ओवर टाइम एंड एनीथिंग विच इज स्केयर्स, दैट प्राइस इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट. द प्राइस ऑफ लैंड, ऑफिस बिल्डिंग्स, विल इंक्रीज ओवर टाइम. सो दीज आर द रीजंस व्हाई द प्राइस ऑफ, व्हाई प्राइस विल चेंज, प्राइस ऑफ मशीन्स विल चेंज, राइट. ये वो रीजंस हैं कि क्यों प्राइस ऑफ मशीन चेंज होगा. इन रीजंस की वजह से होगा. तो हम पहले तो इस इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं, विच इज आर एमपी के इक्वल्स टू आर माइनस डेल्टा पी के अपॉन पी के. और दूसरी बात कि हम यहां पे डेप्रिसिएशन को एक्सप्लिसिटली ऐड कर देंगे, तो अभी क्या बन जाएगा, एम पी के इक्वल्स टू आर प्लस डी बार माइनस डेल्टा पी के बाय पी के. और जो ये राइट हैंड साइड बन गया है, दिस थिंग, इसी को हम कहते हैं यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब होता है कि जो फर्म है, जब वो एक यूनिट ऑफ कैपिटल को एक एक यूनिट से ज्यादा इंप्लॉय करता है, मतलब एक और यूनिट इंप्लॉय करता है कैपिटल कैपिटल को, तो उसकी कॉस्ट में क्या फर्क आता है, राइट. द यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज द टोटल कॉस्ट of using one more unit of capital. Using one more unit of capital to the firm.
तो हमने पहले कहा था कि जो फर्म है उसको तब तक कैपिटल को एम्प्लॉय करना चाहिए जब तक एमपीके इज इक्वल टू द रियल इंटरेस्ट रेट। अब हम ये कह रहे हैं कि कैपिटल को तब तक एम्प्लॉय करना चाहिए जब तक एमपीके इज इक्वल टू यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? सो अ फर्म शुड इन्वेस्ट इन कैपिटल Invest in capital until the value of extra output that capital produces falls to equal the user cost. Right, बेटा, इसी कंडीशन को आप ग्राफिकली भी दिखा सकते हो. सो यू नो दैट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज डिमिनिशिंग, राइट? सो यू कीप ऑन यूजिंग मोर एंड मोर कैपिटल, तो जो एक्स्ट्रा आउटपुट है हर यूनिट ऑफ कैपिटल से, उसका जो इंक्रीज है वो कम होता जाएगा. सो इट्स डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. सो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज डिमिनिशिंग एंड यू हैव द यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज दिस आर प्लस डी बार माइनस डेल्टा पी के बाय पी के, राइट? डेल्टा पी के बाई की पे. सो पी के बाई पी के. सो दिस इज वॉट योर डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक, जहां पे ये दोनों इक्वल हैं. दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन ओनली, राइट? सो दिस इज वॉट माई के डिजायर्ड, दिस इज वॉट माई के डिजायर्ड, राइट? नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन ऑन वॉट इन्वेस्टमेंट रेट डिपेंड्स अपॉन. इन्वेस्टमेंट रेट डिपेंड्स अपॉन राइट. मान लेते हैं दैट वाई इज इक्वल टू के टू द पावर 1/3 एल टू द पावर 2/3, ठीक है? ऐसे है. एमपीके क्या होगा? डेल वाई बाई डेल के, दैट वुड बी 1/3 के टू द पावर -2/3 एल टू द पावर 2/3. सो दैट इज 1/3 एल बाई के टू द पावर 2/3, ठीक है? अच्छा, एक चीज और समझिए. कैन आई डिवाइड बोथ द साइड्स बाय के हेयर? आई कैन. ये मेरा प्रोडक्शन फंक्शन था ना, उसको मैंने के से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया? एल बाय के टू द पावर 2/3, राइट? दिस बिकम्स दिस. तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट एल बाय के 2/3 इज नथिंग बट इक्वल टू 1/3 वाई बाय के? आई कैन राइट लाइक दिस. चाहिए मैंने क्यों करा? बिकॉज आपने अभी अभी देखा के एमपीके हैज टू बी इक्वल टू, एमपीके इज इक्वल टू द यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? सो एमपीके इज इक्वल टू यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड दैट इज इक्वल टू 1/3 वाई बाय के. याद रखिएगा बिकॉज हम इसको अब इसके ऊपर वापस आएंगे. अच्छा, फिर एक मुझे बात बताइए, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन होता है? हाँ जी, होता है. नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है?
कैपिटल इन टाइम पीरियड टी प्लस वन माइनस कैपिटल इन टाइम पीरियड टी, दैट इज द चेंज इन इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है जी? आई टी, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, डी के टी. इसको आप कैसे लिख सकते हो? डेल्टा के टी प्लस वन इज इक्वल टू आई टी माइनस डी के टी. आई कैन डिवाइड बोथ साइड्स बाय के टी, ठीक है? ये आ जाएगा बेटा. ये चीज क्या है? ग्रोथ इन कैपिटल स्टॉक. अब यहां पे देखिए, आई हैव डिवाइडेड दिस विद वाई टी एंड आई हैव मल्टीप्लाइड दिस विद वाई टी, इट डजेंट चेंज एनीथिंग. अब फिर से देखिए, व्हाट इज वाई बाय के? वाई बाय के, 1/3 वाई बाय के इज इक्वल टू व्हाट? यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो व्हाट इज वाई बाय के इक्वल्स टू? 3 इंटू यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो आई कैन राइट दिस एज जी के प्लस डी इक्वल्स टू बाई टी, 3 यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और आई कैन राइट आई टी बाय वाई टी इक्वल्स टू जी के प्लस डी अपॉन 3 यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? लाइक दिस. तो ये चीज क्या आ गई बेटा? व्हाट इज दिस इक्वल टू? दिस इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट रेट. दिस इज नथिंग बट द इन्वेस्टमेंट रेट. आउटपुट में से आप कितना प्रपोर्शन इन्वेस्टमेंट को दे रहे हैं, दैट इज व्हाट इन्वेस्टमेंट रेट इज. और वो इन्वेस्टमेंट रेट किस किस चीजों पे डिपेंडेंट है? इट इज डिपेंडेंट, पहली बात, ऑन ग्रोथ, ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल स्टॉक. दूसरी बात, डेप्रिसिएशन रेट. और तीसरी बात, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? सो यू कैन सी ना, हायर द यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लोअर इज द इन्वेस्टमेंट रेट. इज द यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लोअर इज द इन्वेस्टमेंट रेट. ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन था. लोअर इज द इन्वेस्टमेंट रेट, राइट? सो ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमने इस रिकॉर्डिंग में दिए हैं. आई होप इट वॉज सम यूज टू यू, राइट? चलिए, थैंक यू वेरी मच. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.